नारायण 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 श्रीमन नारायण।
यहाँ बृहस्पतिवार की भक्तों बड़ी महान, सुनने से मिलता इसे सुख वैभव और मान। जीवन में आती नहीं कभी भी कठिनाई, खुशहाली रहती सदा होकर अस्थाई। दैहिक दैविक भौतिक तीन मिट जाते हैं ताप, बुद्धि होती है प्रखर नहीं सताता पाप। देव बृहस्पति है सभी देवों में अतिजेष, परम पूज्य प्रभु वंदनीय सुख स्वरूप और ज्येष्ठ। कथा सुने जो भक्तों तुम सब सुनो कथा लगा कर मन। रहता था एक गांव में विप्र एक निर्धन, कोई भी संतान नहीं थी ब्राह्मण के पास, इस कारण से रहता था वह दिन रात उदास। ब्राह्मण की पत्नी नहीं रखती थी सफाई, इस कारण उन्हें मिल रहा था दुख अस्थाई। कभी भी पूजा पाठ में लगता था नहीं ध्यान, ब्राह्मण यह सब देख कर रहता था परेशान। कथा सुने जो त्योहारों पर भी नहीं करती थी स्नान, नियम धर्म का तनिक भी था नहीं उसको ज्ञान। ब्राह्मण की सुनती नहीं थी कभी कोई बात, झूठ प्रपंच में ही सदा रहती थी दिन रात। ब्राह्मण करता था सदा प्रभु जी का गुणगान, इस कारण उस पर हुई प्रभु की कृपा महान। एक दिन ब्राह्मण घर हुई कन्या एक उत्पन्न, सुंदर और सुशील सब लक्षण में संपन्न। कथा सुने जो पढ़ाई पर सदा लगी वह लगाने, घर के कामों को सदा समय से निपटाती, पुत्र और पुत्री दोनों का वो फर्ज निभाती। नित्य बृहस्पतिवार को प्रातः उठ करके पूजन करती विष्णु के चरण चित्त धर के, मुट्ठी में जब ले करके विद्यालय जाती,
दाने दाने राह में पूरे बिखराती। कथा सुने जो को तन मन पावन हो, कथा है सुखकारी पाप शाप हारी। वापस आकर जाओ सभी लेती थी वह भी, सोने के हो जाते थे दाने सदा नवी। एक रोज जब सूप से साफ कर रही थी, नारायण के भजनों से चित्त भर रही थी। पुत्री को करते सुना ब्राह्मण ने हरिगान, आकर देखा दृश्य तो हो गया वह हैरान। बोला बेटी स्वर्ण के दाने के खातिर, सूप भी होता स्वर्ण का कैसा रहता फिर। कथा सुने जो अगले बृहस्पतिवार को कन्या ने जाकर पूजा पाठ किया विष्णु के चरण मन लगा कर। बोली प्रभु को सर झुका हे जग के स्वामी, पूर्ण करो इच्छा मेरी प्रभु अंतर्यामी। भक्तों की अरदास प्रभु कभी न ठुकराते, भाव भरा यदि हो हृदय तो तुरंत आते। इसीलिए कहा वेद ने प्रभु को कृपा निधान, भक्त की अपने प्रभु नहीं जाने देते मां। कथा सुने जो के अरदास को प्रभु ने किया स्वीकार, स्वर्ण के सुंदर सूप का उसे दिया उपहार। एक रोज जो सूप से साफ कर रही थी, राजा की सेना वहां से निकल रही थी। राजा पुत्र का आ गया उस कन्या पर मन, शादी उससे करने का कर लिया उसने प्रण। कर दिया राजकुमार ने त्याग अन्न जल का, राजा ने जब जाना तो नैनो अस्त्रु छलका। कथा सुने जो कर बोले पुत्र से बेटा क्या है कष्ट,
निह संकोच हो के कहो मुझसे सब स्पर्श किया किसी ने है अगर किंचित भी अपमान तो फिर मैं जाकर स्वयं लूंगा उसके प्राण या कारण कोई और है जिससे हो परेशान बतलाओ मुझको अभी करूंगा मैं समाधान कुंवर ने राजा से सभी बातें बतलाई राजा ने संदेश तब विप्र से भिजवाई कथा सुने जो प्रस्ताव को किया तुरंत स्वीकार दूतों ने नृप को दिया जाके शुभ समाचार शुभ नक्षत्र शुभ लग्न में हुआ संपन्न विवाह राजा रानी सभी के मन में परम उछाल किंतु जहां राजा घर आए और भी खुशहाली वही ब्राह्मण का घर हो गया एकदम से खाली निर्धनता ने कर लिया ब्राह्मण के घर वास दिन प्रतिदिन रहने लगा ब्राह्मण बहुत उदास कथा सुने जो सब बात तब सुता को बतलाई सुनकर उसको पिता पर दया बहुत आई उसने बहुत साधन दिया पिता को तब लाकर कुछ दिन तक सुख से चला विप्रदेव का घर लेकिन जब धन चुका तो हुआ फिर वही हाल ब्राह्मण फिर से हो गया सब प्रकार कंगाल फिर ब्राह्मण ने दोबारा कन्या घर जाकर हाल बताया पुत्री को रोकर समझा कर कथा सुने जो बोली है पिता माँ को ले जाओ जो जो मैं बतला रही उसे सब निभाओ ब्राह्मण पत्नी संग में पहुंचा पुत्री घर पुत्री ने समझाया उन्हें व्रत का दिव्य असर फिर दोनों करने लगे व्रत या बृहस्पतिवार दरिद्रता सब मिट गई धन से भरा भंडार जीवन में अपने सभी सुख वैभव पाकर
परम गति को पा गए हरि का गुण गा के। कथा सुने जो को तन मन पावन हो, कथा है सुखकारी आप शाप ये बृहस्पति वार का है शुभ लाभ स्वरूप, करने से इस रंग भी हो जाता है भू। केले के नीचे लगा हर चरणन में मन, काम क्रोध मद त्याग कर करते भाव भजन। चने को गुड़ के संग मिला करते हैं पूजन, सूर्य अस्त के बाद कर सकते हैं भोजन। डीएस पाल सानंद है कथा ये बड़ी विशेष, इसके करने से सदा खुश रहते सर्वे। कथा सुने जो
चरणों में वंदन होगा,
कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। Thank you.
अर्चन से सिद्ध हो सारे काज, बाल भी बाका हो नहीं हर पग रखती नाच। संतों को अभय दान अब दे,
Good.